इस काल में लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए फल और सब्जी बेच रहे हैं। कुछ लोग मास्क और सैनिटाइजर भी बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन यही मास्क और सैनिटाइजर गाजियाबाद के एक परिवार पर काल बनकर टूट पड़ा। अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण सभी के काम धंधे ठप पड़े हैं। लोग अपनी रोजाना की आजीविका को चलाने के लिए फल सब्जी बेच रहे हैं। इस समय मास्क और सैनिटाइजर की बड़ी मांग है। कुछ लोग इसके सहारे भी अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन यही मास्क गाजियाबाद के एक परिवार के लिए काल बन गया। दरअसल यहाँ दो करीबी रिश्तेदार कोरोना संकट में मास्क की सप्लाई का काम करते थे। कमाई को लेकर बंटवारे में दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि 54 वर्षीय के इनाम बाबू को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे बच्चे को अपने साथ काम पे लगा लिया था। अच्छा। कि मांस बेचेंगे। अब वो कह लगे ठीक है कर लेंगे, मैं भैया सिलाई करूँ अपने बच्चे पाल लेंगे, मेरे बच्चे का काम नहीं लग रहा था। अब उसने मांस लेने का कि मेरे पापा दिल्ली से लाया करेंगे रात को और तू सप्लाई करा कर। मेरे बच्चे ने सप्लाई करी, फिर उसे कह दिया कि तुझे कुछ नहीं दूंगा। वो बच्चा कहने लगे अम्मी ये कुछ ना दे रहा मुझे। मैंने कहा भैया जो देखो 25% 10,000 रुपये दे दिए, 1,00,000 रुपये अपने पास रख दिए, वो सब मिलना है। फिर जो है मेरे बच्चे को धमकी दे रहा था 3 दिन से, उसकी वो रिकॉर्डिंग भी है कि तुझे जान से मार दूंगा अगर गाजियाबाद में कहीं भी नाम काम करने की कोशिश कर। इनाम बाबू को फौरन अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। छुट्टी घटना है यहाँ पर कि एक इनाम बाबू नाम के व्यक्ति थे, 55 से 60 साल की उम्र थी। इनका अपने सगे सहड़ों और उनके बच्चों के साथ व्यापार था, पैसे को लेन देन को लेकर के इनकी आपस में दोनों परिवारों में मारपीट। इनाम बाबू करीब 15 वर्षों से हृदय रोग से गंभीर अवस्था में पीड़ित भी थे। इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसको भर्त घोषित कर दिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, इनके बच्चों की शरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, शीघ्र ही वैधानिक कार्यवाही जो बची हुई है अमल में लाई जाएगी। कोरोना काल में लॉकडाउन होने के चलते बहुत सारे लोग मास्क सैनिटाइजर आदि के काम में लग गए थे। इसको लेकर हुए विवाद में मौत का यह पहला मामला है। गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हर खबर हम आप तक लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.